हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका प्रोनाउन वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रहे थे। अब प्रोनाउन के अंदर हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी थी। प्रोनाउन की डेफिनेशन के अलावा हमने उसके टाइप्स को डिस्कस करा था, ब्रीफली डिस्कस नहीं करा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताया था, जिसमें से हम फर्स्ट वाला आज स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ योर पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं? द प्रोनाउन विच रिप्लेसेस द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। और नाउन भी आपके बेसिकली होती क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सनल जो प्रोनाउन है वो किसको रिप्लेस करेगा? पर्सन्स को रिप्लेस करेगा, प्लेसेस को रिप्लेस करेगा और थिंग्स को रिप्लेस करेगा। ऑल राइट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आई यानी मैं होता है, वी यानी हम, यू यानी तुम, ही फॉर ही जो है आपका बॉयज़ के लिए यूज़ में लिया जाता है, जिसका मतलब होता है वह। शी का मतलब भी वह होता है, इट का मतलब यह, दे का मतलब वे होता है। ऑल राइट, अब जो आता है ये आपका है, ये आपको टेबल लर्न रखनी है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। आपके पर्सनल प्रोनाउन में 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन वाला कॉलम है और यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन जो आपके यूज़ में लिए जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पर्सन हो गया। अब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो आपके बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बात कर रहा होता है ना, वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन के लिए कौन सा पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे? मैं, सॉरी, आई एंड वी। अब आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बोला आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है अपने बारे में, खुद के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है ना। अब पर्सन हु इज स्पीकिंग, खुद के बारे में ही बात की जाएगी इसमें। वी यानी हम होता है, जैसे मैंने बोला वी आर रीडिंग अ बुक, हम किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर खुद के बारे में बात हो रही है और जो है पर्सन खुद ही बोल रहा है इस पर, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इसमें खुद ही बोल रहे हैं, तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, वी आर रीडिंग बुक, हम जो है किताब पढ़ रहे हैं, ये ठीक है। अब जो होता है सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन वो होता है, एक पर्सन तो जो बोल रहा होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? जिससे हम बात कर रहे होते हैं। तो यू का मतलब होता है तुम, और जो है यू का मतलब, दोनों का मतलब तुम होता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आपका यूज़ में लिया जा सकता है। तो जैसे यू आर रीडिंग अ बुक।